स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स, इसको निपटाएंगे जल्दी से। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, स्टैटिस्टिक क्यों है, सब कहानी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सर ये स्टैटिस्टिक होता क्या है, ये हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। क्या होती है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ से रिलेटेड वाला चैप्टर है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, किसका, ऑफ डाटा, ठीक, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, यही सबसे हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट होगा इस चैप्टर में, ठीक है, कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के बारे में बात करेंगे, ठीक। इसमें अलग अलग टाइप के टॉपिक्स कवर करेंगे हम लोग, जैसे इसमें देखो क्या क्या टॉपिक्स आने वाले हैं हमारे, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, बताता हूँ आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट। देखो इसमें क्या क्या आता है, स्टैटिस्टिक में ध्यान देनी है। तो स्टैटिस्टिक अगर मैं बात करूँ पहले आपके बचपन से स्टार्ट, एकदम सिक्स सेवन से, सबसे पहले हमारे पास आता है पिक्टोग्राफ। क्या आता है, पिक्टोग्राफ, बिल्कुल एकदम बेसिक से बात करूँ, अगर कोई छोटा बच्चा पढ़ता है तो सबसे पिक्टोग्राफ पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, पिक्टोग्राफ, ठीक है। क्या होता है पिक्टोग्राफ सब बताऊंगा, ठीक है। पिक्टोग्राफ जिसका हो जाएगा उसके बाद से पढ़ाते हैं हम लोग नई चीज, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्या बताते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक, पिक्टोग्राफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बताते हैं, ठीक, क्लियर। उसके बाद इसमें आता है हमारा बार ग्राफ। क्या आता है, बार ग्राफ, सबसे बेसिकली आप लोगों ने जो मैक्सिमम लोगों अकल आती है वो बार ग्राफ से आती है, ये पता लगता है बार ग्राफ की कोई चीज होने के लिए बहुत सारे बार ग्राफ के अलावा इसमें होता है पाई चार्ट आता है, ठीक है, पाई चार्ट हमारा 8th क्लास तक आता है पाई चार्ट, फिर इसमें बार ग्राफ होता है, डबल बार ग्राफ भी होता है, ठीक है, बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ये इसमें अलग अलग टाइप के टॉपिक्स पाए जाते हैं, ठीक है, बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक, और जो लाइन ग्राफ वगैरह भी होते हैं वो सब इसी में आते हैं, ठीक है, इतना होने के बाद इसी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को हम लोग बोलते हैं लाइन ग्राफ, लाइन ग्राफ, ठीक। एक आता है इसमें हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम, ठीक। ये होने के बाद ये पूरे अलग ब्रांच है, इसमें हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डाटा को, क्या करते हैं इसमें रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट मतलब मैं बोलूँ जैसे क्लास में टेस्ट हुआ, ठीक है, और क्लास में टेस्ट होता है, मान लो 100 मार्क्स का टेस्ट था, 1 से लेकर 10 के बीच में 50 बच्चों के नंबर आ गए, 10 से लेकर 20 में 2 बच्चों के नंबर आ गए, इस तरीके के जो डाटा मिलते हैं उनको क्या, ग्राफिकली जब हम शो करते हैं, किस फॉर्म में शो करते हैं, ग्राफिकली, इनमें से किसी भी तरीके से, पाई चार्ट भी कर सकते हैं, बार ग्राफ भी बोल सकते हैं, पिक्टोग्राफ कुछ भी बोल सकते हैं, उस मेथड को मैं बोलता हूँ क्या, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, किस में आता है वो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये हुआ डाटा को रिप्रेजेंट करना, क्या हुआ डाटा को रिप्रेजेंट करना, पहली चीज। दूसरी चीज आपकी एक होता है डाटा के साथ खेलना, खेलना मतलब कुछ चीजें फाइंड करना, जैसे मैं निकालूंगा रेंज, क्या निकालूंगा, रेंज, ठीक है, सबसे बेसिक चीज रेंज। फिर आते हैं क्लास इंटरवल्स, ये बताएंगे आपको, और बताएंगे आपको मीन, मीडियन और मॉड, मीन, मीडियन और मॉड, मीन, मीडियन और मॉड, ये चलेगा हमारा पूरा रिलेशन, कोई दिक्कत इसमें, मीन, मीडियन और मॉड, इतने में दिक्कत किसी को, ठीक है। ये हमारा पूरा चैप्टर, ये एक अलग पार्ट है, पार्ट वन एक तरीके से मान लो स्टैटिस्टिक का, और ये पार्ट टू है स्टैटिस्टिक का। टोटल हमारे कोर्स में स्टैटिस्टिक को दो पार्ट में डिवाइड कराया था, 6 से लेकर 10 तक पूरे स्टैटिस्टिक को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, पार्ट वन और पार्ट टू, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो है पार्ट वन जो है, मतलब पार्ट टू जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सेवन क्लास में इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, सेवन क्लास में यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है, सेवन क्लास में आता है, और साथ ही साथ नाइन टेंथ में यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इस वाले पार्ट से, ठीक है। अगर मैं बाकी क्लासेस की बात करूँ, बाकी क्लासेस में ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, बहुत बार देखा गया एग्जाम में, ठीक है, 5 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से रहता है हर क्लासेस में, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है, हर क्लास में, चाहे तुम्हारी 6th हो, 7th हो, 8th हो, 9th हो, 10th हो, 11th में भी, यहाँ तक 11th तक की बात करूँ, स्टैटिक्स सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, और उसमें इंपॉर्टेंट बेसिक यही है, जिसका बेसिक जितना क्लियर होगा उसको आगे जाकर अपनी दिक्कतें कम होंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग अपना काम, पार्ट वन लिखना, पार्ट वन स्टैटिस्टिक का पार्ट वन, ठीक है, पढ़ने के बहुत सारा टाइम बहुत कम है, ठीक है, पढ़ा दो नोट कर, नोट कर लेना, ठीक है।
चलो स्टार्ट करते हैं पार्ट वन से। कुछ चीज़ें मैं बेसिक चीज़ें बताऊंगा तुम्हें, ठीक है, उन चीज़ों को समझ लेना, ठीक है। अभी खाली समझने में फोकस करना, बाकी जब अपने तुम अपनी क्लास के रिस्पेक्ट में पढ़ोगे तब तो बात अलग ही होगी ना, ठीक है। सबसे पहले बेसिक क्या से स्टार्ट करना, पार्ट वन क्या है सबसे पहले, पिक्टोग्राफ, ठीक है। चलो पिक्टोग्राफ ऐसे समझाते हैं, छोटा सा एक क्वेश्चन लेके मान लो, मैंने ऐसे आपको एक टेबल दिया, क्वेश्चन इन फॉर्म में समझाता हूँ। पहला क्वेश्चन, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा इन पिक्टोग्राफ फॉर्म, पिक्टोग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है पूरे डाटा को, क्योंकि और डाटा है क्या, तो ऐसा है। एक तरफ स्टूडेंट्स के नाम है, स्टूडेंट्स, और एक तरफ पिज्जा, कितने पिज्जा मिलेंगे उन्हें इस पे, ठीक है, नंबर ऑफ पिज्जा लिखो स्टूडेंट्स और नंबर ऑफ पिज्जा। वैसे स्टूडेंट का नाम लिखो पहले, राहुल, ठीक है, ऐसे नाम लिख लिए। अब नंबर ऑफ पिज्जा मान लो मैंने दिए, ऐसे दिए मैंने 6 पिज्जा, इसे 3, इसे 2, इसे दिए कुछ आधे लगा से देते से 3.5 मतलब 3 और आधा, 3.5 यही होता है, ठीक है। ये आ गया क्वेश्चन तुम्हारे पास, अब बोलेगा इसको रिप्रेजेंट करो किसकी फॉर्म में, पिक्टोग्राफ की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, पिक्टोग्राफ की फॉर्म में। चलो देखते कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, टेबल बन एक और कॉलम ऐड होगा, तो मैं यहाँ पे एक चीज लिखूंगा क्या, देखो इधर देखना, पहले देख लेना कि अगर मैं पूरा एक सर्कल बनाऊंगा तो ये बराबर होगा 1 पिज्जा के, किसके बराबर होगा 1 पिज्जा, समझ में आया जी, एक सर्कल मतलब 1 पिज्जा, तो बताओ यहाँ कितने सर्कल बनेंगे इसके आगे, 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, समझ में आया नहीं, क्लियर, ठीक है। इसके आगे कितने बनेंगे, 3, करें क्वेश्चन ऐसे करके बहुत सारे करेंगे तुम लोगों ने, ठीक है। और सीमा के कितने, 2 है तो 2, और इसमें क्या करोगे, पहले 3 बनाएंगे और फिर आधा पिज्जा देना, आधा देना पड़ेगा इसको, चलो अभी बात करते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, क्वेश्चन की फॉर्म में लिखेंगे रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप्स, फॉलोइंग ब्लड ग्रुप्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, रिप्रेजेंट करना है जो डाटा है जो दे रहा हूं मैं उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की फॉर्म में, ठीक है। अब कैसे क्या करना है इसके ऊपर बात करते हैं, पहले ध्यान से देखना, पहले क्वेश्चन नोट करा करो अच्छे से, बहुत इजी होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ऐसा कोई टफ नहीं होता। चलो देखो जैसे कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं हमारी बॉडी में, ए बी सी बी और ओ, ए बी ए बी और ओ, जैसे ए लिखो क्या क्या लिखो,
देख लो पीसी है ना, गिन लेने का तुम उसको कट्टी वाले चाहिए। हाँ जैसे देख लो आपको ये 30 बच्चों के क्या है, ब्लड ग्रुप है ठीक है, जलाम राहु सीता सबका ब्लड ग्रुप है ठीक है। करें इंजेक्शन कराते हैं इंजेक्शन कब कराता है? चलो नहीं भी करा पड़े। देखो ये हमारा हो गया, अब देखेंगे इधर ध्यान से। तो हमारे पास तीन कॉलम बनेंगे, ध्यान देना वहाँ कितने कॉलम बनेंगे, तीन। तीन कॉलम कौन से कॉलम होंगे देखेंगे, पहला होगा ब्लड ग्रुप, कौन सा होगा ब्लड ग्रुप। अच्छा अगर मार्क्स होते तो मार्क्स लिखता, मतलब जिस बारे में है क्वेश्चन में, क्वेश्चन अगर ब्लड ग्रुप के बारे में तो क्या लिखा मैंने, ब्लड ग्रुप। अगर मान लो यहाँ पे कुछ और होता ठीक है तो मैं उस चीज को लिखता जो भी चीज होगी। तो पहला आएगा ब्लड ग्रुप, एक होगा इसमें टेलीमार्क्स, क्या होगा टेलीमार्क्स, और एक होगा फ्रीक्वेंसी। तीन चीज समझ में आ गई, क्या क्या बोला मैंने, ब्लड ग्रुप, टेलीमार्क्स और फ्रीक्वेंसी ठीक है। ब्लड ग्रुप क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में था ठीक है, और टेलीमार्क्स और फ्रीक्वेंसी हमेशा आएगा ठीक है। चलो अब समझते कि होना क्या, बहुत ईजी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ईजी। जरा बताओ मेरे को किस किस टाइप के ब्लड ग्रुप है तुम्हें, कौन ए बी ओ और ओ ठीक है। चार टाइप के ब्लड ग्रुप लिखो, ब्लड ग्रुप के नीचे चार, ए लिखो बी लिखो ओ और ए भी चार लिख दे चारों ठीक है। क्या लिखे, ए बी ओ और ए बी, ऐसे लिखे। अब मेरी बात ध्यान से सुनेगा कोई और ध्यान समझने की कोशिश करेगा ठीक है। जैसे ए ब्लड ग्रुप के कितने हैं, गिनना आता सबको, ए वाले कितने, 1 2 3 है ना, फिर 4 5 6 7 8 है ना, तो फ्रीक्वेंसी में तो आएगा 8, कितना आएगा 8। टेलीमार्क्स पे कैसे बनाते हैं सबको आना चाहिए, देखो इधर पहले ध्यान से, इधर देखो इधर टेलीमार्क्स पे कैसे बनता है, पहले 1 2 3 4 और 5 पे काट देते हैं, फिर 6 7 और 8 ऐसे बनता है टेलीमार्क्स, क्या बनता है ऐसे टेलीमार्क्स, हर 5 पे कट जाता है, समझ में आया ठीक है। अच्छा बी पे कितने, जरा बी कितने, यू नो बी 7 गिनते चलो, 1 2 3 4 5 6 7 तो 7 पे फ्रीक्वेंसी में ऐसे लिखेंगे, बनेगा कैसे पहले देखो, 1 2 3 4 और 5 पे काट देना है और 6 और 7, समझ आ गया ठीक है। अब कौन सा गिनना है, ओ गिनो पक्का, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ठीक है, तो 1 8 की दो 7 7 8 है, ओ ए बी ए बी 7 है, ए बी 7 है, अब तो गिन लो 8 और ए बी कितने, 7 हां ठीक है, तो 7 बन गया ना। अच्छा तो 1 2 3 4 5 6 और 7 ठीक है, ऐसे टेलीमार्क्स बनाने को ही हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और टोटल में कितना आएगा, कितना टोटल, 30 अच्छा टोटल ठीक, समझ आया। ये बन जाती है हमारी क्या, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ठीक है। इस साल तुमने पढ़ लिया, तुम्हारा फायदा हो जाएगा, अगले साल तुम्हारा बहुत ज़्यादा फायदा होगा, बोल ना कि ठीक है। अगला कौन सा है, इसको नोट करके लुटो दोस्तों, देखो नेक्स्ट, देखो देखो रिप्रेजेंट, तो छोटे छोटे क्वेश्चन कराऊंगा, ज्यादा बड़े नहीं कराऊंगा। हाँ रिप्रेजेंट द फॉलोइंग, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा इन इन बायोलॉग, इन बायोलॉग जो दिया हुआ डाटा है उसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, बायोलॉग के फॉर्म में ठीक है। देखते होते हैं डाटा लिख लो बेटा, तो बायोलॉग हमारी मीटिंग होगी, देखो डाटा कुछ ऐसा है, ऐसे बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बहुत ज्यादा टेबल बन जाती है।
टेबल है हमारी क्या बोलते हैं क्लास और स्टूडेंट के बारे में, ठीक है। मतलब क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, जैसे मैंने बोला ए क्लास है, एक बी है, एक सी है, डी है और हमारी आगे क्लास ए बी सी डी और ई, ये हमारी क्लासेज। ये क्या है हमारी क्लासेस, ठीक है, ये हो गई हमारी क्लासेस। आगे देखेंगे स्टूडेंट, मान लो यहाँ पे हमारे पास है 20, यहाँ पे 15, यहाँ पे 10, यहाँ पे 25 और यहाँ पे 30, मान लो कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ आ गए। ये हमारा एक डाटा दे रखा है, ठीक है, बोला इसका बार ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, बार ग्राफ। तो बहुत ही इजी है, ऐसी कोई टफ वाली बात नहीं, समझा रहा हूँ ध्यान देंगे। बार ग्राफ हमेशा ऐसे करके बनता है, ठीक है, जैसे मैं बना रहा हूँ ऐसे ही बनता है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से क्या बता रहा हूँ, जो डाटा पहली लाइन में दिया होता है, कौन सी लाइन में दिया होता है पहली, वो हमेशा एक्स एक्सिस पता है ना सबको, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। जिसको नहीं पता तो मैं एक वीडियो और सेंड करना चाहूंगा बाद में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कौन सी वीडियो होगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें तुम्हें समझ में आएगा कि है क्या क्या, ठीक है, वरना आगे जाके समझ में आएगा। जो लेटी हुई लाइन है ना ये, इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं एक्स, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको बोलते हैं वाई एक्सिस, क्या बोलते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। तो ध्यान देखेंगे, मैंने बोला पहले क्या आता है एक्स आता है, फिर क्या आता है वाई, तो पहली वाली लाइन एक्स वाली होती है, दूसरी लाइन किसकी होती है वाई की, तो जो भी एक्स का वो इस लाइन में लिख दो जरा क्लास, ठीक है। क्लास में कौन कौन सी क्लास आएगी बताओ, ए है बी है, लिखते रहो ए बी सी डी और ई। इसके लिए तुम्हें पेज मिलता है, पता है ना बार बार बनाने का, चीज वगैरह बनाने का, तो उसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। अच्छा अच्छा बताओ स्टूडेंट क्या क्या है, 20-15 ऐसे स्टूडेंट है, तो मेरे को बताओ कितनों का गैप दिया जाए। अब मैं 1-2-3 लिखने बैठ गया तो रात जाएगी लिखते लिखते, काम बहुत लंबा पड़ जाएगा, तो कितनों का गैप ले ले, 5 का ले लो या 10 का ले लो। मैं देखो जितना कम गैप लोगे ना उतना अच्छा बार ग्राफ बनता है, मतलब उतना एक्यूरेट बनता है, तो तुम जितना कम लोगे उतना अच्छा बनेगा, लेकिन इतना भी कम मत ले लेना कि पेज ही खत्म हो जाए। इसलिए हम लोग ले रहे 5 का गैप, कितना गैप ले रहे 5 का, लेते चलो 5, फिर क्या आएगा 10, 5-10 फिर क्या आएगा 15, फिर 20, फिर 25, 5 का गैप ले रहे बस 30, 35। वैसे जाने की जरूरत नहीं, हाईएस्ट कितना 30 है, ठीक है। ए पे कितना है 20, ऐसे करके उठता है, देखो कितना ए से उठाया ऐसे करके और कहाँ पे 20 ऐसे, ठीक है। बी पे कितना है 15, तो बी पे उठाया 15 तो ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया। सी पे कितना है 10 तक बना, सी डी इस 25, ई कितना है जल्दी नोट करो इसको। ये हो गए हमारे सारे सारे बार ग्राफ, ठीक है, प्लीज इसको ध्यान से नोट करना, ठीक है, समझ आ गए बार ग्राफ, नोट कर लिखो जरा। अगला टॉपिक हेड आ रही है पाई चार्ट, क्या होता है पाई चार्ट, कैसे काम करता है, इसके बारे में बात करते हैं। पाई चार्ट हेडिंग हो गई, ठीक। चलिए पाई चार्ट ऐसा है, जैसे मान लो बताते क्या होगा पाई चार्ट, उससे पहले एक क्वेश्चन लिखो, रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा इन पाई चार्ट फॉर्म। डाटा लिखो, डाटा में टेबल की फॉर्म में दे रहा हूँ, जानकुछ ऐसी ऐसे लिखा हो, ऐसा हो। इस डाटा को मुझे पाई चार्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था, देखो क्या है। तो एक स्कूल था, वहाँ पूछा गया तुम्हारा फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सा है, तो सर गेम के नाम बताओ दो चार अच्छे। क्रिकेट, फुटबॉल, क्रिकेट सबको याद रहता है, फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, मेरी तरफ से वॉलीबॉल, बस 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 हॉकी, ऐसे गेम आ गए, ठीक है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट आए, क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्रिकेट में मान लो उसने बोला जो स्टूडेंट है वो ले लेता है कितने, पैसठ
दूरी रहते हम लोग। सेवन इलेवन एट और टेन योगे नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, इतना समझ आ गया। ये मिलेगा हमें क्वेश्चन, क्वेश्चन में इतना ही मिलेगा और बोले इसको पाई चार्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। कौन सी फॉर्म में? पाई चार्ट की फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इसलिए ध्यान से देखना मुझे बता दो। ठीक है, सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आ जाए उसके बाद निकालो जरा टोटल। क्या निकाला जाता है? टोटल। टोटल कैसे इन सबको प्लस करके आएगा, कितना आएगा प्लस करो जरा। 36 प्लस करो सबको आता है। ठीक है, टोटल आ गया। अब हम निकालते हैं यहाँ पे सेंट्रल एंगल। क्या निकालेंगे? सेंट्रल एंगल। बहुत ही सिंपल होगा सेंट्रल एंगल निकालना, इसलिए ध्यान से देखना। मैं एक हर किसी का सेंट्रल एंगल निकाल के दिखाऊंगा, ध्यान से देखना। यहीं पे बच्चे गलती करते जाते हैं, इसलिए पहले देख लो फिर नोट करना। चलिए बात करते हैं सेंट्रल एंगल की। सेंट्रल एंगल कैसे निकाला जाता है, ध्यान देखना। सेंट्रल एंगल ऐसे निकालेंगे, क्रिकेट का सेंट्रल एंगल निकालना। क्रिकेट कितना है? 7 है। तो 7 अपॉन टोटल कितना आया? 36। और टोटल पूरे एक चक्कर में कितने डिग्री का एंगल बनता है? पूरे चक्कर में 360 बताया था परसों, सही है। ये ऐसे निकलेगा, जैसे कि यहां इसका सॉल्व करके तो आ जाएगा 36 टेन जो होता है 70 है 70 डिग्री, समझ आया? सेंटर का 70। दोबारा देखेंगे, जैसे इसका निकालना है तो 11 अपॉन टोटल कितना है? 36 किससे होगा? 360 से। ये कटेगा, कितना आएगा? 10 जा 11 10 जा कितना होता है? 110 डिग्री। अगला यहां पे बास्केटबॉल कितना है? 8 के नीचे कितना आएगा? 36 इंटू कितने से होगा? 360 कितना आएगा? 80 डिग्री। ठीक है, लास्ट 100 डिग्री। बहुत बढ़िया, लास्ट वाला खुद निकालना, 100 डिग्री आना चाहिए, किसी को दिक्कत नहीं इसमें। ये निकल गए हमारे सेंट्रल एंगल। क्या निकल गए? सेंट्रल एंगल। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ से स्टार्ट होता है पाई चार्ट बनाना। क्या बनाना स्टार्ट होगा? पाई चार्ट। तो पाई चार्ट बनाना बहुत आसान है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे काम करना, कभी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कैसे ये बताओ, पाई चार्ट बनाने के सबसे बड़ा एंगल कौन सा है जो तुम्हें दिख रहा है? सबसे बड़ा 110 110 डिग्री सबसे बड़ा है। तो सबसे पहले क्या करोगे, एक सर्कल बना। सबसे पहले क्या बनाओगे? एक सर्कल बना दिया। एक सर्कल कितना भी बड़ा तुम्हारी अकॉर्डिंग कंपास से एक सर्कल बनाना। ठीक है, कर दिया। अब उस कंपास सर्कल में एक लाइन खींचना, खींच लो, किसी भी तरफ खींच सकते हो, तुम्हारी चॉइस है। ठीक है, किसी भी तरफ खींच दी लाइन। उस लाइन में बनाओ सबसे बड़ा एंगल कौन है? 110। डी सबके पास होता है, डी से बनाना सबको आता है, तो कितना बनाना है? 110। कितना बनाना है? 110। डी को रखोगे 110 बनाओगे तो कुछ यहाँ से ऐसे जाएगी लाइन, कैसी? ये बन गया 110 डिग्री। कितना बन गया? 110। अच्छा, 110 डिग्री किसका एरिया है? कौन सा स्पोर्ट्स था? फुटबॉल। इसके अंदर लिख देना फुटबॉल, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब आगे देखो ध्यान से। अब बच्चे गलती क्या करेंगे, इधर देखो ध्यान, तुम मत करना गलती। देखो 110 बन गया, अब डी को इस पे रखना, इस पे। डी है किसके पास? नहीं है वो ना, तो डी को इस पे रखना। ठीक है, तब जाके जो एंगल बनेगा। चलो मोबाइल लगा दी। अब देखिए जरा ध्यान से, फुटबॉल बन चुका था, अब किसकी बारी थी? 110 से छोटा कौन है? 100। तो 100 बाकी तुम्हारी इच्छा है, कोई बना सकते हो। देखो रखना कैसे है, डी को ऐसे में रखना। ठीक है, ऐसे में टेढ़े में इस लाइन के ऊपर रखना, ये जो लाइन बनाई नहीं वाली इसके ऊपर रखना। ठीक है, जैसे तुम इसके ऊपर रखोगे तो कितना बनाना है? 100। 100 तुम्हारा इस तरफ बनेगा। ठीक है, नीचे की तरफ, तो 100 तुम्हारा बन रहा है। ठीक है, 100 डिग्री बनेगा तुम्हारा ऐसे में। ये बन गया तुम्हारा 100। कितना बन गया? 100। ठीक है, हो गया। अब कौन सा बचा हुआ, क्या बनेगा? इसकी बारी है, 80 और 70 दो बनाने हैं। फिर से अब इस पे रखना, ऐसे करके देखो लाइन पे लाइन, इस लाइन पे। अब इस वाली लाइन पे रखोगे तब बनेगा 80, और फिर बनेगा 70। सही है, 80 और 70 बचा हुआ, खुद बन गया। स्पोर्ट्स बता रहे कौन से लिखना है, फुटबॉल 110 वाला, 100 वाला कौन है? हॉकी। देखो मैंने तो करा दिया क्वेश्चन, लेकिन जब तुम खुद करोगे तब तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि हाँ क्या करवाना चाह रहे हो। बास्केटबॉल। लास्ट क्या था? क्रिकेट। वाओ, क्रिकेट का सबसे कम नोट करो इसको। ये बनता है हमारा पाई चार्ट। क्या बनता है? इसे पाई चार्ट।